ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर एक कंसेप्ट है, जो रूरल डेवलपमेंट हम कर रहे थे, ग्रामीण विकास हम कर रहे थे, ग्रामीण विकास का जो टॉपिक है आपका रूरल डेवलपमेंट का, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट भी दिए गए हैं, ग्रामीण विकास से संबंधित जो हैं वो दिए गए हैं। तो रूरल डेवलपमेंट में नेक्स्ट हम देखेंगे एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन जो वर्ड है वो डाइवर्ट से कहीं ना कहीं आया है आपका, तो डाइवर्ट होता है किसी चीज़ को मोड़ देना, यानी कृषि का विविधीकरण है यहाँ पर, कि कृषि को मोड़ देना। मोड़ देने का मतलब मोड़ना नहीं है, कृषि में विविधीकरण लाना है। विविधीकरण यानी बहुत सारी चीज़ें शामिल करना है, कि आज की डेट में अगर हम देखें कृषि में हम केवल कृषि ही कर रहे हैं, लेकिन धीरे 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 वो ट्रेंड आपका चेंज हो रहा है। और कृषि में विविधीकरण क्या है कि एग्रीकल्चर के अंदर स्पेशलाइजेशन को फॉलो किया जा रहा है। स्पेशलाइजेशन को फॉलो करने का मीनिंग है कि एक ही टाइम पर, एक ही जगह पर एक से ज्यादा फसलें उगाना, जैसे एक दो फसलें उगाना, दो फसलें लेना एक ही जगह से एक ही टाइम पर। जैसे जैसे अगर आप चेक करो, एक क्रॉप का सीजन चल रहा है, कोई भी फसल उगाई जा रही है, साथ की साथ दूसरी कोई आइटम भी उसके अंदर, वहाँ पर दूसरी कोई आइटम भी स्टार्ट, उसका भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया जाता है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, सब्जियां साथ में उगाते हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स भी उनका प्रोडक्शन भी साथ के साथ स्टार्ट कर देते हैं। एक कृषि विविधीकरण में क्या आता है कि कृषि विविधीकरण में हम भिन्न भिन्न प्रकार की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो क्रॉप्स हैं उनका प्रोडक्शन करते हैं, कि एक ही के पीछे नहीं भागते हैं। जैसे इस बार हम गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, वहीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम, नेक्स्ट सीजन आया उसके अंदर राइस का कर रहे हैं, फिर गेहूं का कर रहे हैं, फिर राइस का कर रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है। दूसरा, जो दूसरी चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर को कहीं दूसरी तरफ भी डाइवर्ट कर दिया जाता है। जैसे जैसे अगर देखा जाए, जो बेसिक एग्रीकल्चर है उससे थोड़ा सा दूसरी तरफ इसको मोड़ दिया जाता है। मोड़ने का यहाँ पर अर्थ है कि इसके अंदर जैसे जैसे जो आपकी फिशरीज हैं वो स्टार्ट कर दी जाती है, मछली पालन, कि आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, उसके अंदर आप क्रॉप का प्रोडक्शन करने की बजाय आप फिशरीज का आपने वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मछली पालन का। उसके बाद उसके साथ साथ अगर देखें जो डेयरी बिजनेस है वो आपने स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें जैसे जो हेचरी है वो आपने स्टार्ट कर दिया, जहाँ मुर्गी पालन जो व्यवसाय होता है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर है, बागवानी है, वो आपने स्टार्ट कर दिया है, तो वो आपने स्टार्ट कर दिया है। तो ये सारा का सारा एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन है, कि फिशरीज एग्रीकल्चर के साथ साथ हम क्या करते हैं, फिशरीज का बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, डेयरी स्टार्ट कर देते हैं, हॉर्टिकल्चर बागवानी शुरू कर देते हैं। जैसे आपने अगर आज की डेट में अगर देखा हो, बहुत से फार्मर्स क्या कर रहे हैं, फ्लावर्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, फूलों की खेती कर रहे हैं। जो बेसिक एग्रीकल्चर है उनको उन्होंने कम कर दिया है, फ्लावर्स की खेती कर रहे हैं, या अपने यहाँ गार्डनिंग स्टार्ट कर दी है, जो फ्रूट्स हैं फ्रूट्स के गार्डन लगा रहे हैं, फलों के बाग लगा रहे हैं। क्यों? वो ये देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर डिमांड किस आइटम की ज़्यादा है और उसकी मार्केट के अंदर सप्लाई कितनी है, यानी किस आइटम की मार्केट के अंदर कितनी डिमांड है और उसको बेचने वाले कितने हैं। अब एक आइटम की मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा हो लेकिन उसको बेचने वाले भी बहुत ज़्यादा हो, तो उस आइटम का प्रोडक्शन करने का बेनिफिट नहीं है। लेकिन एक आइटम की मार्केट के अंदर डिमांड है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मीडियम डिमांड है, लेकिन उसके जो सेलर हैं वो ना के बराबर है, वो है ही नहीं, तो होगा क्या? आप उसका प्रोडक्शन कीजिए,
उसकी सेल मार्केट में इजीली हो जाएगी। तो यही एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन है, जिसमें एग्रीकल्चर को डाइवर्ट कर दिया जाता है, उसको चेंज कर दिया जाता है। या तो हम हॉर्टिकल्चर स्टार्ट कर देते हैं, या हम उसके अंदर अगर देखा जाए, या हम फिर फिशरीज़ का बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, या हम उसके अंदर डेयरी बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें स्टार्ट कर दी जाती हैं। ये जो है ये स्मॉल फार्मर्स के लिए ये सूटेबल है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। उनके पास थोड़ी ज़मीन होती है तो वहाँ पर जो बेसिक एग्रीकल्चर है उसका प्रोडक्शन कम होता है, तो कम होने की वजह से जो इनकम है, इनकम भी उनकी कम रह जाती है। तो वो क्या करते हैं, इस इनकम को बढ़ाने के लिए ये स्टार्ट कर देते हैं, और इससे कहीं ना कहीं उनकी जो इनकम है वो अपने आप इंक्रीज हो जाती है। तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के बाद हम देखेंगे कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये है कृषि का व्यापारीकरण। कृषि के व्यापारीकरण में क्या है, कृषि के व्यापारीकरण में हम क्या करते हैं, जो क्रॉप्स हैं हमारे पास उनका प्रोडक्शन तो करते हैं, बट उनका प्रोडक्शन किस लिए करते हैं, उनका प्रोडक्शन करते हैं मार्केट में सेल करने के लिए। क्योंकि पहले क्या था, पहले अगर आप ध्यान करें, पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग ये बहुत ज्यादा होती थी। सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है निर्वाह खेती को, कि इंडिया के अंदर ये बहुत ज्यादा होती थी। कि फार्मर्स क्या करते थे, फार्मर्स इसके ऊपर कंसंट्रेट करते थे कि प्रोडक्शन कितना करना है, प्रोडक्शन की लिमिट कितनी रखनी है। वो देखते थे कि प्रोडक्शन उतना ही करना है कि जितने में उनका निर्वाह हो जाए, जितने में उनका गुजारा हो जाए। इसी सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता था, यानी वो प्रोडक्शन करते थे केवल अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए, कि उनको अपने खाने के लिए, अपनी फैमिली के लिए कितने प्रोडक्शन की ज़रूरत है। जैसे वहीट है, कि वहीट का कितना प्रोडक्शन चाहिए, कि कितना उनको खाने के लिए पर्याप्त है, वो उतनी ही लिमिट रखते थे, लगभग उतना ही प्रोडक्शन करते थे। तो कॉमर्शलाइजेशन क्या है एग्रीकल्चर का, कि क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है किसके लिए, मार्केट में सेल करने के लिए। अब केवल सब्सिस्टेंस फार्मिंग नहीं है, ये आपकी सब्सिस्टेंस, अब केवल सब्सिस्टेंस फार्मिंग नहीं है, यानी केवल अपने निर्वाह के लिए खेती नहीं होती है, मार्केट में सेल करने के लिए भी होती है। कि मार्केट में जो सेल करेंगे उससे कहीं ना कहीं इनकम जो है इंक्रीज हो जाएगी, किसकी, फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हो जाएगी। तो जो किसान है, किसान अपने जीवन निर्वाह के लिए खेती ना करके वो क्या करता है, वो ऐसी फसलों का उत्पादन करता है, ऐसी क्रॉप्स का प्रोडक्शन करता है जिससे उसे कहीं ना कहीं, जिससे उसकी इनकम बढ़ सके। जैसे इन्हें कहा जाता है, इन क्रॉप्स को कहा जाता है कैश क्रॉप्स, नकदी फसलें, जिनके बदले में उसे नकदी आसानी से मिल सकती है। क्योंकि फार्मर को नकदी चाहिए, जो फार्मर है फार्मर को कैश चाहिए, उसे कहीं ना कहीं अपनी इनकम बढ़ानी है। तो इसके लिए वो क्या करता है, ऐसे आइटम्स का प्रोडक्शन करता है जिनको बाजार में तुरंत बेचा जा सकता है, जिनके प्रोडक्शन को। उसके बाद कौन कौन सी कैश क्रॉप्स ये देख लेते हैं, जैसे जैसे शुगर केन है आपका, जैसे टी है आपकी, इस तरह की फसलें हैं। जैसे टोबैको है आपका, तंबाकू जो है, शुगर केन है, गन्ना है, चाय है, तंबाकू है, या आपके पास अगर देखें जैसे कपास की फसल है, ये इस तरह की फसलों की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। बेनिफिट क्या है, इन आइटम्स को मार्केट में जाकर फार्मर सेल करता है, सेल से उसे जो कैश मिलता है, उस कैश से वो जो उसकी आइटम्स, जो जिन जिन आइटम्स की उसे रिक्वायरमेंट है, उसकी उसी टाइम पर उसे उसके द्वारा पेमेंट कर दी जाती है। जो बचता है उसे वो सेव कर लेता है। तो ये है आपका कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, वो केवल जीवन निर्वाह के लिए ना करके वो कृषि की जाती है
किसके लिए वो कृषि की जाती है, बाजार में अपने उत्पादन को बेचने के लिए, अपनी फसलों को बेचने के लिए, कि जो आपके पास है वो ले जाकर आप बाजार में बेच सकते हैं। उससे जो कैश आपको मिलता है उस कैश को आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी डेली यूज़ की आइटम्स हैं उनको परचेज़ करने के लिए। तो ये था आपके पास कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो दो कंसेप्ट हैं हमारे पास, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर।